अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं JBMS YouTube चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 4 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगा हुआ है, जिंको के एन टाइप बाईफिशियल सोलर पैनल्स में इंस्टॉल किए गए हैं। इस पर टोटल कितनी कॉस्ट आई है और इसको लगे हुए को कितने दिन हुए हैं और सबसे अहम बात इसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, इसके साथ इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है, स्टैंड कौन से हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आप दोस्त हमसे पूछ रहे होते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ अंकल गुलरेज साहब मौजूद हैं, इनके घर पर ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं सारी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है सब। माशाल्लाह सिस्टम आपने 4 किलोवाट का लगवाया हुआ है। आपने हमें पहले नंबर पर बताना है कि जिंको एन टाइप के आपने पैनल लगवाए हैं बाईफिशियल, ये कितने दिन पहले आपने लिए थे? ये इसको खरीदे तो 2 माह हो गए हैं, लेकिन लगे को तकरीबन 1 माह के करीब कह सकते हैं। 2 मंथ पहले खरीदे गए थे, उस वक्त क्या रेट था जब आप? उस वक्त ये मैंने 53 पर वाट लिया था, 53 रुपए पर वाट लिए गए थे और अब जो मौजूदा रेट चल रहा है 42 रुपए, 42 रुपए आपको मार्केट में रेट देखने को मिलेगा। रेट्स होते हुए नजर आ रहे थे तो रेट्स अब तो डाउन हुए हैं। उस वक्त इनकी कितनी कॉस्ट आई थी टोटल? उस पर इसकी कार 5,80,000 के करीब टोटल कॉस्ट आई थी, जिसमें सारे 2.5 लाख की प्लेट थी ये। अच्छा, 2,50,000 के 8 पैनल्स उस वक्त आए थे, अब अगर हिसाब लगाया जाए तो 2 लाख के से नीचे ही है। हाँ, 2 लाख से नीचे कॉस्ट आएगी, यानी कि 2 मंथ पहले जो है उसमें जो है 50,000 रुपए का पैनल्स में फर्क आ रहा है। इसके अलावा ये स्टैंड जो है आपने कितने जो है इनकी गेज के इस्तेमाल किए हैं और कितनी इनकी कॉस्ट थी? ये L4 के 2 स्टैंड है 14 गेज में और ये 27,000 में दोनों पड़े थे मुझे, मुकम्मल इसका नट बोल्ट्स में इसकी हर चीज। सही है, इसमें जो इंस्टॉलेशन की गई है वो आपने खुद की है या कारीगर से करवाई? नहीं, ये इंस्टॉलेशन मैंने और मेरे बेटे ने खुद की है मिलके। अच्छा, आप ये यूट्यूब से ही हेल्प ली है हमने सारी? ये बड़ी बात है जी कि अंकल ने खुद इनको इंस्टॉल किया है और सारी जो हेल्प ये कह रहे हैं कि हमने यूट्यूब से देख के इनको इंस्टॉल किया है। तो यूट्यूब पर आपको पहले इसका आइडिया था या सारा यूट्यूब से देखा आप? नहीं, आइडिया तो पहले नहीं था, सारा यूट्यूब से ही तकरीबन 2-3 माह की कह रहे हैं कि मुख्तलिफ वीडियो से इन्फॉर्मेशन ली है कैसे लगा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, हाइट क्या है, सही है तो ये कैसे परफॉर्मेंस देगी, इसका सही तरीका है, उसी तरीके को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ किया है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं कि पैनल्स लगे हुए हैं, ये बाईफिशियल पैनल है जो इन्होंने लगाया हुआ है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मुझे एक नजर आ रही है, मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। बाईफिशियल जो पैनल है उसको थोड़ा सा आपकी सतह से ऊपर होना चाहिए, वो जो पहले 2 पैनल है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाला लास्ट वाला जो पैनल है इसकी एफिशिएंसी जो, क्योंकि बाईफिशियल दोनों साइडों से बिजली बना रहा होता है तो जितना ये सतह से थोड़ा ऊपर होगा उतनी अच्छी रिफ्लेक्शन जो है आपकी नीचे सतह से आएगी। तो जब आप लगा रहे हो तो आप कोशिश करेंगे बाईफिशियल सोलर पैनल लगाते हुए उसको मिनिमम दूसरी साइड से आप 6-7 फीट कर लें और जिस तरफ से आपने स्लोप देनी है उधर से आप 3-4 फीट मिनिमम उसको रखें, तो फिर उसकी आप मैक्सिमम जो एडवांटेज है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम जो है फिर वो आप ले सकते हैं। चलो नीचे चलते हैं और आपको सोलर जो इन्वर्टर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, बैटरीज जो इंस्टॉल की हुई हैं उनके मतलब भी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कौन सी की हैं और उनकी क्या कॉस्ट आई है। हाँ जी दोस्तों, हमने आपको ऊपर जो पैनल्स लगे हुए हैं उनके मतलब तो डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन दी है, अब सोलर जो इन्वर्टर लगा हुआ है इसके बारे में अंकल से पूछते हैं कि ये किस कंपनी का है, आपने कितने में लिया था और इसकी इंस्टॉलेशन के मतलब बैटरीज के मतलब कौन सी यूज़ कर रहे हैं। गुलेर साहब हमें बताएं इन्वर्टर के मतलब भी और बैटरीज के मतलब भी। इन्वर्टर जो है 36 किलोवाट का है, 3600 वाट का है और इसको PV 5000 सपोर्ट करता है, ये 9 प्लेट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जितनी थी उस हिसाब से हमने 8 प्लेट इसको लगाई है। बैटरी वो ओसाका की है 160 एम्पेयर की, ट्यूबलर बैटरी है, ये तकरीबन 1 लाख की इसकी कास्ट पड़ी थी हमें और ये डीपी बॉक्स वगैरह सारा कुछ ये मैंने खुद मेरे बेटे ने मिलकर इंस्टॉल किया है विदाउट एनी हेल्प। अच्छा, अगर ये इंस्टॉल करवाएं तो इसकी कितनी कास्ट आपकी इस एरिया में फैसलाबाद में ले रहे हैं? इधर जो इंस्टॉल कास्ट है ना वो छोटे सेटअप की 6 रुपए पर वाट के साथ और जो बड़ा सेटअप है वो 4-5 रुपए तक लेते हैं, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भी लगाया है उसको 4 रुपए पर वाट उसको ले, मतलब कि 20,000 के अराउंड आपका जो है 20 से 25,000 के करीब थी इसकी
तो माशाल्लाह आपने खुद इसको इंस्टॉल कर लिया है। इन्वर्टर के हवाले से मुझे किस कंपनी का प्राइमैक्स, ये प्राइमैक्स का इन्वर्टर है वोल्ट्रॉन सीरीज में और बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी इसकी कारगर है, डबल आउटपुट है इसमें। आपको एक मंथ हो गया यूज करते हुए इसकी कारगर्दगी, पैनल्स की कारगर्दगी जबरदस्त है, उसे किस्म का कोई मसला नहीं। वाईफाई बिल्डर आपके सामने लगा हुआ है, मोबाइल में आप इसको कंट्रोल कर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, हमें तो कोई इससे शिकायत नहीं। बैटरी जो साथ है भी ठीक चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास चल रही है। तो दोस्तों ये 4 किलोवाट का तकरीबन इन्होंने सिस्टम लगवाया हुआ है, 5,80,000 रुपया इनका तकरीबन आज 2 मंथ पहले कॉस्ट थी, क्योंकि इन्होंने पहले पैनल लेकर रख लिए थे, अब तकरीबन 50 से 60,000 रुपया अब इसमें जो है कॉस्ट में डिफरेंस आएगा क्योंकि अब रेट्स कम है। तो 5 से 5.5 की रेंज में आपको इस तरह का अगर आप 4 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो आपकी कॉस्ट आएगी। बाकी 3 किलोवाट 5 किलोवाट इसके मतलब हमारी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली सिस्टम लगा हुआ है, यूज किया जा रहा है, तो इसका रिव्यू दिया गया है आपको, माशाल्लाह ठीक है। प्राइमैक्स सोलर एनर्जी का ये जो इनका इन्वर्टर है वो लगा हुआ है, इसके अलावा ओसाका की बैटरीज हैं, जिंको के पैनल्स हैं। ये तमाम खर्चा जो है इसका 5,80,000 उस वक्त आया था, और अभी जो मौजूदा रेट्स के मुताबिक देखा जाए तो 5,20,000-5,30,000 के राउंड अबाउट आपको इसकी कॉस्ट पड़ सकती है। तो गुलेर साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।